सासाराम में, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को एक समारोह में भाग लेने वाले थे, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मनोज कुमार ने शुक्रवार दोपहर फिर से संघर्ष शुरू होने के बाद धारा 144 लगाने का आदेश दिया, जो पिछली शाम पहली बार भड़की थी। बिहार शरीफ में, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले में आता है, गगन दीवान, मंसूर नगर और नबीनगर जैसे इलाकों में हुई झड़पों के बाद धारा 144 लागू कर दी गई, जिसमें 10 से अधिक लोग घायल हो गए और एक दर्जन से अधिक वाहन जल गए। ये देखिए पूरा लाइन से जितना भी दुकान था, की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं। इस बीच राज्य पुलिस मुख्यालय ने एक बयान जारी कर मीडिया के एक हिस्से में आए इन खबरों को खारिज किया कि गुस्साए भीड़ ने गोलियां चलाई। पुलिस अभी तक आई नहीं, कॉल किया था, बोली थी अफवाह फैलाने वालों को रोकने के लिए स्टेशन के पास है, पुलिस आ जाएगी, रखी जा रही है स्टेशन के पास, लड़ाई हुआ, पुलिस आ जाएगी। न डीएम उठा रहा कॉल, न एसपी। Thank you.